जन सुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जन सुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है कि अगले 10 बरस में, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही दम लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ जिसको जिसको चाहिए, उठाइए हाथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ। जन सुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जन सुराज एक व्यवस्था भी है, वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जन सुराज को अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हैं? तो जन सुराज जिद है युवाओं का, जन सुराज हमारा संकल्प है, जन सुराज एक नई व्यवस्था है, लेकिन सबसे बढ़कर जन सुराज हम में बैठा हुआ हर आदमी और हमारे घरों में रहने वाले लोग, हम लोगों का सपना है कि बिहार में अपने जीवन काल में, याद रखिए, ये जन सुराज का सपना है, अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा भी दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो एक बार खड़े होकर, एक बार अपने अपने सीट पर खड़ा होइए और बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बैठिए और संकल्प लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए। ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की जो पढ़ाई और रोजगार के लिए मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर गया है। आ इस पीढ़ी के बाद कोई भी बिहार का लड़का, कोई भी बच्चा मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। संकल्प लीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बच्चे, बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप खड़े होइए और भरोसा रखिए, पूरे देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर देंगे। तैयार हैं? हैं तैयार? तो पहले आपको पिछले मीटिंग में जो निर्णय हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, जो लोगों ने कहा है, उस पर आपकी सहमति चाहते हैं, आपसे अभी वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चल लेंगे तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके। लोगों से हम लोगों ने पूछा है
कि क्या दल अभी बनाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो दो विकल्प है। पहला, 2 अक्टूबर को दल बना दिया जाए। दूसरा विकल्प है, अगले साल पदयात्रा मार्च में जब खत्म होगी तब दल बनाया जाए। तो जितने लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं, और जरा हाथ उठाकर अनुमोदित कीजिए, जोर से बोलिए। हो कब? 2 अक्टूबर की मार्च, 2 अक्टूबर की मार्च।